ग्राम तिंदरी के सरपंच सौमिश गुप्ता के साथ आए तिंदरी गांव के लोगों ने अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार को की है। पुलिस अधीक्षक से चर्चा के दौरान उन्होंने घटना की जानकारी दी, साथ ही गांव के आए लोगों के द्वारा भी घटना की जानकारी दी गई, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई। ये हमारे गांव के हरिजन वर्ग के बहुत सारे परिवार हैं, उनके जो युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके परिवार के जो मोबाइल नंबर पे उस पर एक नंबर से मैसेज आ रहे हैं, बहुत अश्लीलता भरे गंदी गंदी बातें उसमें लिखी हैं और उनके परिवार के बच्चियों महिलाओं को बदनाम करने की धमकी दे रहा है वह, और शिकायत करने पे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है एक अनरोल नंबर से, यह सब मैसेज आके जिससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा है और स्थिति ख़राब होने की आशंका है, जिसमें अगर त्वरित कार्रवाई हो जाएगी तो कोई माहौल ना बिगड़े, इस पर्पज़ से हम लोग SP महोदय के यहाँ आवेदन देने आए थे। उसमें उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, आप मिलाई दमों में अकेले पाओगे तो मारेंगे तुमको, तुम्हारे परिवार में ये ऐसा है वैसा है। कब से आ रहे हैं ये? कल आए थे 6:48 पे शाम। कितने लोगों को? छः लोग, छः व्यक्ति हुआ है। गांव में कितने लोगों को आ रहा है? हम 6 लोग को आ रहा है और पूरे गांव को धमकी दे रहा है। सबके नाम है वो, और जिसकी नई शादी हुई है उसके मायके का, बहुओं का, नए लड़कियों का, ये भी बोल रहा है जिसकी शादी होगी उसके मायके के लिए बोल देंगे जो एक बेस्ट। एक मोहल्ले विशेष बस में कौन से मोहल्ले में आ रहा है? इतना कौन से समाज के लोग? हरिजन है हरवा। नहीं, और वो आगे भी बोल रहा था आप कारवा करोगे तो धमकी मार देंगे जो करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मण है। लोग इससे आए कि हम 6-7 बच्चों के फोन पर तो मैसेज भेजे उसने, और बहुत मतलब एक घर से भी पूरे परिवार को धमकी देता है, लड़का है, लड़की है, और पापा है, मम्मी, सबके नाम लिखे, और बहुत गंदी गंदी लड़के, हम लोगों को भी नहीं बताते हैं कि मैसेज है। पापा भी यहाँ पे नहीं है, उनका भी नाम आ रहा है, मम्मी पापा है भी नहीं, फोन पे बात है गंदी गंदी भेज रहे, नंबर को नंबर फोन लगा तो बात नहीं करा, फिर मैं कहता कि कहा बंद बताओ थे। अब को आते हैं मेरे से पूरे मोहल्ला है। मोहल्ला? हाँ। मोहल्ले में कौन से समाज के लोग रहते हैं? एहरिस वाले। बस आप ही लोगों को आते हैं? हाँ। कितने से आ रहे हैं? मैं कल ही आए हैं, कल ही साल। हाँ एक ही टाइम पे आए। हाँ, ये कहीं दे रहे आया, सो हम पे तो फोन ना नहीं चलाओ तो मना, फिर भी हमारों के नाम जुड़े। क्या नाम है आपका? सीता। क्या समस्या आ रही है, कौन परेशान कर रहा है? हम समस्या ये लेके आए हैं कि बच्चे, उनके मम्मी पापा हैं नहीं घर पर, हम उनकी चाची हैं, तो उनके मोबाइल पे आए तो 6-7 जन के मोबाइल पे है, मगर उनके मोबाइल पे सबका नाम है, ऐसा कोई बाकी नहीं है जिसका नाम नहीं निकला है, पूरों का नाम है। इसकी लड़कियों गंदी गंदी गालियाँ हैं, उनकी बहुओं गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, जैसे मन आ रहा है जैसे बोल रहा है, जैसी चाय भी वो लिख के डाल रहा है उसमें, और मम्मी पापा यहाँ है भी नहीं तो उनको भी बोल रहा है। कौन डाल रहा है ये सब? ये वो तो पता नहीं है हम लोग को कौन डाल रहा है, वो मिल तो जाता है हम लोग को सामने बोले, फिर उसको हम लोग बताते हैं कि कैसा करना चाहिए, वो इतना गलत क्यों बोल रहा है। किसी के ऊपर शक है आपको? अभी तो ऐसा शक किस पे कर सकते, मोबाइल तो सबको ही चलाता है, ऐसा शक किस पे कर सकते हैं, जब उसका नाम पता कुछ तो मिल जाए हम लोग को, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी जब हमें पता चलेगा उसका, इसीलिए। और बच्चे हमारे समाज छोड़ गए, उनके मम्मी पापा बाहर गए काम करने के लिए, अब वो लोग कहीं जाते भी नहीं हैं, ऐसे दोनों बच्चे अपने घर पर रहते हैं, काम से काम रखते हैं, ऐसे पढ़ाई है तो पढ़ाई का नाम हो जाएगा उनका, स्कूल खुल जाएगा तो वो अपने स्कूल ही जाएंगे। कब से आ रहे हैं? अब उनको कल से पता चला है, तो हमें उनने सुबह बताया। हमारा नाम नीतू अहरवाल है। अभी तिंदोनी गाँव के कुछ ग्रामीण में जिसमें कुछ महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसका कहना है कि सब इनके मोबाइल पर, जो विशेष तौर पर जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उन पर कुछ अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो ये बताने की स्थिति में कि किसने भेजे जा रहे हैं, तो हमने इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया और साइबर टीम को दे दिया गया है, उसके आधार पर ट्रेस कर लेंगे कि किन किन के मैसेज किसने किए हैं, जैसे ट्रेस होगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे।